अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाज़रीन, नई सुबह नए मेहमान। जैसा कि आपको पता है मेरी सुबह जो है मेरे मेहमानों के साथ होती है, और आपकी सुबह कैसे होती है ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स में। और आज के जो मेहमान हैं वो भी बड़े बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत प्यारे सिंगर हैं, बहुत प्यारी आवाज़ के मालिक हैं। और यंगस्टर, अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूँ तो आजकल हमारे यंगस्टर्स में बड़े सिंगर्स आ गए हैं। और ये जो सिंगर हमारे साथ मौजूद है, इनका ताल्लुक जो है दादू से है, और दादू में जादू हम लोग ऐसे बोलते हैं, मजाक करते हैं। तो इनका ताल्लुक दादू सिटी से है, और वहाँ के ये सिंगर हैं जो कि कराची आए हैं डिफरेंट शोज़ वगैरह करने के लिए। और सबसे प्यारी बात कि ये फ़नी सॉन्ग्स करते हैं भाई। इनके मैं जितने भी सॉन्ग्स देती हूँ बड़े मस्ती वाले होते हैं। जो बेचारे जो आर्टिस्ट हमारे, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ जुहैर चांडी और भी बहुत से आर्टिस्ट हैं, उनके गानों को ये उठा के पूरे उल्टा उल्टा करके उनको दे देते हैं, ये ले भाई मैंने ये किया है। तो वेलकम करते हैं अपने शो पे सिंगर सुहेल अब्बास सोलंकी को। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या चल रहा है लाइफ में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक चल रही है लाइफ। सिंगिंग के अलावा क्या चल रहा है? सिंगिंग के अलावा स्टडी, स्टडी के बाद यही। अच्छा, क्या पढ़ाई करते हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं कॉलेज में हूँ। अच्छा, डिग्री कॉलेज दादू। अच्छा मुझे ये बताएं, सारे सिंगर्स आजकल दादू के क्यों निकल रहे हैं? बस वो पता नहीं है बात तो, लेकिन एक बात जो है ना दादू में है, जो भी आर्टिस्ट निकलते हैं दादू से बहुत टैलेंट बहुत है दादू। मैंने वही साहब बुखारी आपने सुना होगा? बिल्कुल। बुखारी माशाल्लाह उसकी शायरी, उसके सखीरानी साहब बिल्कुल, हमारे दादू के गुलूकार सज्जाद सोलंकी जो अभी वायरल हो गया है, मेरा बड़ा भाई बशीर सोलंकी सोनो मंजूर वो भी दादू से, सोलमदुल्ला काफी टैलेंट है दादू में। हमारे जो है सज्जाद सोलंकी से याद आया, बहुत प्यारे दोस्त भी हैं सज्जाद सोलंकी जिनका सॉन्ग है चांद तारों जी 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 सुहानी रहते हैं, वो भी बड़ा फेमस गया। और आपकी कास्ट के ही है भाई, वो भी सोलंकी है जी जी जी, अपने 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 रिश्ते अपने है ना बस जी जी। तो आप भी भाई, क्या फर्स्ट कौन सा ऐसा सॉन्ग आपने सिंग किया था जो वायरल चला गया? वो तो आपको भी पता होगा, आप ही बता दें। अभी आप बता दें, मैंने जो पहली मर्तबा मेरे दोस्त की एक शादी थी तो ऐसे ही बैठे थे पार्क में, तो अचानक से मैंने गिटार उठा लिया और दोस्त को वो सॉन्ग डेडिकेट किया। तो सिंधी सॉन्ग है, जुहैब चांडिया ने वो पहले परफॉर्म किया है, रिलीज़ किया था उसने काफ़ी साल पहले, और मैंने जो है उसको न्यू ट्रेंडिंग में लगा कर जो है ना। अच्छा, गिटार बजाना मुश्किल है आसान है? थोड़ा बहुत मुश्किल है। आपने कहाँ से सीखा? मैंने तो खुद मैंने जो है ना इसमें मेहनत की, YouTube चैनल है आजकल हर चीज़। अच्छा, आजकल जिससे ही पूछें YouTube से काफी हर चीज़ मिलती है। हाँ, तो आपने वहाँ से सीखा? वहाँ से ही, मेरा बड़ा भाई भी सिंगर है बशीर सोलंकी, उसने भी मेरे जो है ना इसमें हेल्प की। तो जो फर्स्ट सॉन्ग था हमारे बहुत प्यारे दोस्त, बहुत प्यारे भाई जुहैब चांडे, बहुत प्यारे सिंगर होस्ट, वो भी बड़े टैलेंटेड हैं, तो उनका सॉन्ग था। उनका सॉन्ग पहले आप मुझे रियल में बताएंगे कौन सा सॉन्ग था, फिर आप जो आपने उसका बनाया वो ट्रेंडिंग वाला बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनाएं मुझे। हमारे व्यूअर्स को वैसे भी वेट होता है कब कोई अच्छा सिंगर आएगा और हम सुने। जो मैंने टिकटॉक पे अपनी वीडियो पोस्ट की थी तो मैं आपको पहले वो बताऊंगा। बारस संभाले चिबी चेल थी वही, जिंदगी मुझी गण तेल थी वही, ओ मथा सुनाई मुखे चुसे छड्यो, प्यार जी किडनी बि तेल थी वही, अम्मा शादी छो कराई नंढी एज में, मूसा दादी छो कराई नंढी एज में, अम्मा शादी छो कराई नंढी एज में, मुसा तादी चक्कर आई नंदी एज में, ओके भी न रखियो एडो प्यार नालो, दिल ते आयो तो पंजे लव जो तालो, ई हाथ गाल ते थी वही हणे, बात जो आ मुझो पक्को सालो, तो सा जल्दी शादी कंदुस तू किल करे मुनी हणी दिस, ओ मां पप्पू तू आ मुझी पति, माँ पप्पू तू मुझी पपी, आपाई प्यार वारी जपी, माँ पप्पू तू मुझी पपी, तो सा दिल जी गाल कंदस तू खिल कर मुने हणी दिस, ओ माँ पप्पू तू मुझी पपी, माँ पप्पू तू मुझी पपी।
क्या बात है। और जुहेब का कौन सा था, उसने तो बड़ा वो प्यारा। जुहेब ने तो इसमें बहुत सारी जो है ना चीजें अच्छा थी, वो तो मैं भी जो है ना उसके लिए जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, जो गिटार का जो है ना। हाँ हाँ, ठीक हो गया, थैंक यू। तो ये आपने सॉन्ग किया और ये बहुत प्यारा था। जब आपने ये फर्स्ट टाइम प्ले किया अपने दोस्त की शादी में और आपने टिकटॉक पे पोस्ट किया, तो काफी लोगों ने इस साउंड को यूज भी किया था। हमारे जितने भी सिंध के टिकटॉकर्स हैं उन्होंने भी बनाई, मैंने भी बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको क्या मतलब कैसा लगा था जब आप देख रहे कि व्यूज आ रहे हैं और लोग उस साउंड को यूज इतना कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत खुशी। लेकिन खुशी की बात तो मुझे इस बात की हुई, मेरा दोस्त था जो है जीशान नूर सोलंगी। अच्छा, उसने जो है मेरी ये वीडियो अपने अकाउंट पर पोस्ट की थी पहले पहले। अच्छा पहले किसी। अच्छा ये ऐसा क्यों होता है, जो हम रियल आर्टिस्ट होते हैं उनकी जो वीडियोस है वो पहले दूसरे अकाउंट से वायरल जाते हैं, खुद के अकाउंट पे 200 फॉलोवर होते हैं और जब उनके अकाउंट पे बड़ी वायरल। बिल्कुल बिल्कुल, यही राइट बात है आपकी। सोशन भाई के कुछ अच्छे फॉलोअर्स थे पहले भी, लेकिन जब उसने ये मेरी वीडियो लगाई तो उससे ज़्यादा मतलब जो है ना उसके फॉलोवर मिल गए और माशाल्लाह ट्रेंडिंग पे चला उसका अकाउंट भी, आज भी उसका अकाउंट चल रहा है। फिर मैंने अपना अकाउंट बना लिया। अच्छा जी हाँ, अभी आपका अकाउंट अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो होता जा रहा है, उस पर ही हम लगे हुए मेहनत कर रहे हैं। तो फैमिली फैमिली क्या कहती है, फैमिली सपोर्ट क्या है? लाहिर सी बात है, फैमिली की फुल सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। देखते होंगे तो वो कहते होंगे यार अच्छा ये गाने, ये आपके पास लिरिक्स कहाँ से आते हैं? एक दो ऐसी हैं जो मैंने खुद लिखी थी, वो जो मोटी वाला सॉन्ग होगा टिकटॉक पे, इसी जो है ना। अच्छा जी जी हाँ, इसी हिसाब की है वो भी तो मोटी। हाँ मोटी वाला, मोटी आखिर कौन है? बस जो समझे, जो मोटी हो। शुक्र है हम नहीं है। ये मोटी कौन है, इस मोटी का नाम बताएं? बस मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन है कोई? बिल्कुल बिल्कुल मोटी है। ओके हो गया। ये तो काफी बड़ा आपने लिखा था। जी हाँ, मैंने आपको पार्ट वन सुनाया ये अभी। पार्ट वन, पार्ट टू कौन सा है, पार्ट थ्री कौन सा है? और वो पार्ट आपने जब डेडिकेट किया जिसको भी किया, तो उसका क्या रिएक्शन था? मैंने किसी को डेडिकेट नहीं किया, मैंने बस ऐसे ख्याल आ गया और वीडियो पोस्ट। तो उसका पार्ट टू क्या था? कितने पार्ट लिखे इसके आपने? 3 पार्ट है इसके। अच्छा कटे सकूं ना प्लान? हाँ हाँ बिल्कुल। समझाए मुझे सेना ना है। हाँ यो ना, यो लास्ट पार्ट दस में। लास्ट पार्ट अनिस बात। लिरिक्स था क्या था? ना वो पंजी लिखी है। अच्छा अच्छा। हो को न हो शौक मुखे शादी है जो जोर हुयो अम्मा दादी है जो एड़ो कहर मुसा करे छड़ू जेल में मुखे जन विजी छड़ू कड़पा पियो थो रोज लछा तो आया वेलन मां मोला जान छदा मुजी हिन मोटी मां अल्लाह जान छदा मुजी हिन मोटी मां समझायो मुखे सबनी सियाणन आहे तुझो नसीब प्याराई हो आहे जेका थी हुई तो खवई थता पाण ख मोटी थे न कर जुदा गर्जी खुशी असा आने रजो मोला मालिक आनी खुश आया आऊं पजी मोटी असा आने आऊं खुश आया पजी मोटी असा। क्या बात है, अभी आप खुश हैं अपनी मोटी। हाँ। और ये जो जुल्म है ये दादी ने किया। हाँ। ये वाकई में कोई रियल लाइफ की स्टोरी तो नहीं है आपने गाने के? असल में ये ऐसी बात है कि मेरा एक क्लोज फ्रेंड है। अच्छा जी जी, मैं उसका नाम बस नहीं ले रहा। हाँ, नाम डिस्क्लोज नहीं कर। लेकिन जो मेरा दोस्त है, हम बैठे थे ऐसे चाय शाय पी रहे थे एक होटल पे, सो उसने अपनी दास्तां सुना ली। अच्छा। भाई मेरे साथ ये मसला है, मैंने कहा आप टेंशन ना लें, हम वायरल करते हैं। तो फिर उसके सेकंड डे पे ही मैंने उधर ही बैठे थे, मैंने पोइट्री लिख दी है, फनी पोइट्री, और जो है आपके सामने। क्या बात है, क्या बात है।
अच्छा, ये तो था कुछ सिंधी, हमारे जितने भी सिंधी फैंस है, जाहिर सी बात है हमें लोग देखते भी सिंधी हैं, सुनते भी सिंधी हैं, क्योंकि हमारे फैंस 80-89% फैंस हमारे सिंधी हैं। बिल्कुल। तो अगर हम हमारी व्यूवरशिप उर्दू काफी लोग देखते हैं, तो हम क्या कुछ उनको डेडिकेट करें कुछ उर्दू सॉन्ग? जी बिल्कुल, क्यों। तो कौन सा सबसे प्यारा सॉन्ग जो आपको आता है? ठीक है, मैं सुना लेता हूँ आपको। सज्जाद का आता है? सज्जाद का सुनाता हूँ आपको, ट्रेंडिंग पे उसका चला सॉन्ग। कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये न सोचो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार चाहत। चांद तारों की सुहानी रातें, कैसे भूलूंगा वो मुलाकातें। कितनी दिलकश है, कितनी प्यारी है, याद आती है तुम्हारी बातें। दिल की शमा जलाए बैठा हूँ, अब तो खुद पे भी इख्तियार नहीं। तुम जो आए किसी का भी इंतजार नहीं। क्या बात है। अच्छा, सज्जाद सोलंकी कराची, अगर आपने उनका गाना डेडिकेट किया लोगों को, जी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे भी, भाई मेरे शो पर आए। वो दादू से कराची आते हैं नहीं आते, क्योंकि आप दादू? बिल्कुल, वो आजकल मसरूफ चल रहे हैं, इसलिए दादू में ही ज्यादा इवेंट्स होते हैं। दादू में मुख्तलिफ जो है सिंध में, पूरी में, और अभी अभी तो सज्जाद इस्लामाबाद मेरे ख्याल में, उधर ही है। अच्छा, उधर ही है। हाँ। सर्दी एंजॉय करने का मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है। ओके, हो गया। अच्छा, ये मुझे बताएं, फेवरेट सिंगर कौन सा है आपका, जिसको आप फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं? मेरा फेवरेट सिंगर उस्ताद मंजूर सकीरानी साहब। अच्छा जी जी हाँ, उसके सॉन्ग भी आपको मैं सुनाऊंगा जरूर। उसके कौन सा सॉन्ग है जो आप ज्यादा सुनते हैं और प्ले करते हैं? असी प्यार करण वाला माणू, असी प्यार करण वाला माणू, असी प्यार करण वाला माणू, असी प्यार करण वाला माणू। दरिया हुजे आसरा, दरिया हुजे आसरा, पर पार पर पार कर पार करण वारा माणू, असी प्यार करण वारा माणू, असी प्यार करण वारा माणू, असी प्यार करण वारा माणू। हो दिस हे दिस के था सीना, छड हाणे हो आई सिंगार, ओ सिंगार, सिंगार करण वारा माणू, असी प्यार करण वारा माणू, असी प्यार करण वारा माणू, असी प्यार करण वारा माणू। क्या बात है, ये लेजेंड है, जाहिर सी बात है हमारे लेजेंड सिंगर हैं सिंध के, और काफ़ी इनके सॉन्ग्स जो मिलियंस में गए हैं, सुनते रहते हैं। और उस्ताद रजब फकीर के सॉन्ग्स आप सुनते हैं? साईं बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, साईं बाबा क्यों नहीं, बाबा साईं क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि उस्ताद रजब फकीर मेरे फेवरेट सॉन्ग है ना।
मुझे गोडे निंदसुत जो लोगों ने भाई पता नहीं क्या कर दिया है उसका उसका उस सॉन्ग को क्या कर दिया, इतनी टिकटॉक्स इतनी वीडियोस इतना कुछ जब देखो मुझे, और काफी लोग नीचे लिख रहे थे सिंगल लोग कहाँ जाइए गाना सुन तो वो सॉन्ग आपने प्ले किया है कभी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वाला सॉन्ग मुझे सुनाए, क्योंकि हमारे पास जब सिंगर आता है तो गपशप हम करते बहुत कम है, जाहिर सी बात है सिंगर आया तो उसको सुने ना हकीकत है बिल्कुल कैसे सॉन्ग सुनते हैं। ये मैं सॉन्ग आपको डेडिकेट करूंगा क्योंकि इसमें आपका भी नाम आता है ना तारा तारा। हाँ। आपको सुनाता हूँ, आप खुद नोट कीजिएगा, ये इसकी वीडियो प्ले कीजिएगा बनाइएगा। आधी रात अंधारी अजा, आधी रात अंधारी अजा, जण तारा खब कुवारी अजा, जण तारा खब कुवारी अजा। आधी रात अंधारी अजा, जण तारा खब कुवारी अजा, जण तारा खब कुवारी अजा। हुए मुझे गोडे नींद सुती, हुए मुझे गोडे नींद सुती, हुए मुझे गोडे नींद सुती। आई मुछा के मुवार सवारिया प्यारी अजा, मुवार सवारिया प्यारी अजा, जण तारा खब कुवारी अजा, जण तारा खब कुवारी अजा। हुआ आई हुन खा कोए डिठा, हुआ आई हुन खा कोए डिठा, मुहेड़ा रूप मलारी अजा, मुहेड़ा रूप मलारी अजा, जण तारा खब कुवारी अजा, जण तारा खब कुवारी अजा। क्या बात है, लास्ट जब हम आईबीए यूनिवर्सिटी में थे रजब फकीर साहब वहाँ पे आए हुए थे, उनका कॉन्सर्ट था, सेम जब वो ये सॉन्ग पढ़ रहे थे तो जब तारा नेम आ रहा था मुझे देख रहे थे तो मैं तब बड़ी खुश हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह, सॉन्ग में ना बड़ा प्यारा से एक अपनी वाइब है, फीलिंग है, सुकून है, तो ये तो बहुत अच्छा है। फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? फ्यूचर प्लान्स, मैं स्टडी कर रहा हूँ तो सिंगिंग तो कंटिन्यू रहेगी। मतलब सिंगिंग को कंटिन्यू करना है और मीडिया फील्ड को ही आगे लेके जाना है इंशाल्लाह। आपने कोई अपना एल्बम लॉन्च किया? जी हाँ बिल्कुल। कौन सा? मेरे 2-3 सिंधी जो है लैंग्वेज में जो है मेरे एल्बम्स हैं मेरे, सो सिंधी मीडिया में तो अभी मैंने इन्वॉल्व किया है, अभी आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा, दुआ कीजिएगा आप भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कौन सा आपने अपना एल्बम लॉन्च किया है, लिरिक्स किसने लिखे और उसमें जो है ताबिश बुखारी खूबसूरत जो है शायर है हमारे दादू का, उसने जो है ना वो खुद सिलेक्शन की थी। अच्छा। एल्बम था उसका जो है टाइटल था, टाइटल सॉन्ग जो होता है एल्बम का, याद तो खे कम तू ना है मिठा। सो माशाल्लाह क्या बात है। अच्छा भाई, ये प्रोग्राम का एग्जाम का वक्त होने वाला है तो एंडिंग में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक ऐसा सॉन्ग डेडिकेट करें जो फनी हो और आपने जो खुद लिरिक्स किए हो। मोटी के अलावा कोई फनी किया है आपने? ये दो फनी किए हैं अभी अभी तो, ये दो फनी तो बस फिर वो फर्स्ट वाला आप अगेन सुनाए। जाते जाते मैसेज दे दें फैंस को जो आपके देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे देखने वालों को? जो भी मुझे देख रहा है मैं सबको एक ही मैसेज दूंगा कि जो भी हैं खुद में सबसे सबके साथ मोहब्बत से रहें, और जो टिकटॉकर्स हैं जो टिकटॉकर्स जो अभी बना रहे हैं जिसके फॉलोअर्स वगैरह इतने नहीं, उनकी सपोर्ट कीजिएगा जैसे तारा वैन हमारी सपोर्ट कर रही है ऐसे ही। तो मैंने ये जो फनी सॉन्ग था मेरा वायरल में एक दफ़ा फिर आपको सुनाता हूँ।
गाइस एंडिंग भी हम उसी सॉन्ग से लेते हैं जो सॉन्ग इनका फर्स्ट वायरल गया था और बड़े मशहूर हो गए, बड़े पूरे सिंध में काफ़ी इनके साउंड यूज़ होने लगे, जो मेरे भाई और मैंने मिलके बनाया था, जो इन्होंने कमेंट भी किया था। तो वो उसी सॉन्ग से हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, नए टैलेंट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। बारस संभाले जी भी जेल थी वही जिंदगी मुझी डेण तेल थी वही ओ मथा सुनाई मुके चुस छड्यो प्यार जी किडनी भी फेल थी वही अम्मा शादी छो कराई नंदी एज में मुसा तादी छो कराई नंदी एज में अम्मा शादी छो कराई नंदी एज में मुसा तादी चो कराई नंदी।